देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट आपकी शादी को लेकर होते हैं एक इंसान ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा उन्होंने कहा कि वो रहते हैं 170 फीट के घर में अगर शादी की तो बहू को रखेंगे कहाँ 170 स्क्वायर फीट नहीं उसे थोड़ा बड़ा है सर <laughs> उससे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है कि कपड़े और जूतों के लिए जगह हो आ, तो बाकी तो अगर यही इतना ही जगह नहीं है तो फिर और किसको फिट करें उस घर के अंदर बट वो जो लेफ्ट टर्न है और राइट टर्न है जहाँ पर मैं रहता हूँ वो बचपन से लिया है और मेरे वालद साहब मेरी माता मम्मी ऊपर रहती हैं तो मुझे ऐसा कभी वो शौक ही नहीं रहा कि एक पले घर में रहूँ यू नो तो वो मुझे अच्छा लगता है छोटा सा घर तो आपने घर देखा है मैंने घर देखा है मुझे लगता है जितना बड़ा ये सेट है उतना बड़ा तो पूरा नहीं सर ये तो बहुत बड़ा है सर <laughs> ये तो बहुत बड़ा है ये ये हो गया अपना लिविंग रूम ये हाँ करेक्ट है जिम उधर ये तो कुल मिला के आपका शादी करने का कोई इरादा लगता है ये सब देखते <laughs> सर इतना प्रेशर आ गया मुझ पर आजकल मेरे मदर और फादर भी मुझे से देखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है बट जब वो हो, होगी तब होगी अब यहाँ पर आप सब शादी करके कितने खुश हैं कितने खुश हैं कितने खुश हैं इतनी खुशी मुझे नहीं चाहिए तो नहीं से पूछ रहा ना सर वु लाइक टू सी मी मैरिड विच मैन वुड टॉर्चर करने के लिए के जो हम सह रहे हैं वो आप भी सहो वो वो गलत बात है अच्छा आप लोग ताली बजा के बताइए और हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं कि सलमान खान जल्दी से जल्दी शादी कर लें हाँ मतलब कि मैं भी आपकी जिंदगी में आ जाऊँ जैसे आप टॉर्चर हो रहे हैं आप सब हाँ, मैं भी टॉर्चर हूं वो देखो वो सच्चा आदमी है देखो सब बोल रहे हैं ये देखो करेक्ट मतलब के आप इतने नाखुश हैं अपने लाइफ में तो पत्नी पर बगल में बैठी है और इतना कॉन्फिडेंस है आदमी में कि मत करना मेरा हाल देख लो मेरे बाल चले गए तो हमारी दुआ है सलमान कि जल्दी से शादी हो जाए जी सर नहीं भी हो तो भी आपको उतना सर, भी आपका मतलब हमारी बदुआ है कि जल्दी से शादी हो जाए सलमान जितने डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते हैं सब कहते हैं कि सलमान 12 बजे क्या करेंगे या 2 बजे क्या करेंगे 4 बजे क्या करेंगे क्या शरारत करेंगे किसी को कुछ पता नहीं सर ये झूठ है सर बारह बजे का तो डेफिनेटली झूठ है क्योंकि बारह बजे में सेट पर पहुँचते हैं <laughs> तो जो भी शरारत जो भी शरारत की है मैंने वो घर पे की है वो सेट भी नहीं हुई है कभी तो वो मेरा टाइम है आ, मैं तो आपको मेरी मैं आपको मेरा रूटीन बता देता हूँ मैं आ, उड़ जाता हूँ कर, करीबन साढ़े पाँच छः बजे फिर उठते उठते मैं सिक्स थर्टी सेवन तक मैं उड़ जाता हूँ कॉफ़ी पीता हूँ उसके बाद गाड़ी करता हूँ वर्कआउट करता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ मम्मी डैड के साथ थोड़ा सा वक़्त गुजारता हूँ और फिर एक और कॉफ़ी हो जाती है और अभी तो साइकिल वाइकिल नहीं आ, करता मैं आ, तो पहले तो फिर वहाँ से सेट पहुँचता हूँ सेट पहुँचने के बाद वहाँ पे सीन में डिस्कस होता है और फिर वहाँ से काम शुरू होता है फिर जब तक के पैकअप नहीं बोले डायरेक्टर आई एम देयर ऑन सेट ना मैं वैन में बैठता हूँ ना मैं ए सी में बैठता हूँ जहाँ पर सेट है मैं वहीं पर बैठता हूँ थ्रू आउट जब तक के पैकअप नहीं हो पैकअप होने के बाद आई कम अब कभी एक बजे होता है रात को अप तो कभी शाम को छः बजे सात बजे वट टाइम इफ इट्स अर्ली देन आई कम बैक एंड आई डू सम कार्डियो वर्कआउट स्पेंड सम टाइम द फैमिली देन आई हैव माय टाइम एंड आई गो टू स्लीप एट अबाउट टू थर्टी थ्री एंड देन अगेन आई वेक अप अबाउट फाइव फाइव थर्टी सो आई स्लीप ओनली अबाउट टू एंड हाफ थ्री आवर्स दैट्स इट तो हाँ एक ये होता है मेरे साथ के लंच ब्रेक के बाद करीबन साढ़े तीन चार बजे आई गो लगा ऑन द सेट शॉर्ट रेडी रेडी सो दिस इज समथिंग दैट आई गो थ्रू एंड वंस हैपेंस ठीक हूँ फिर वो वापस से नींद आती है मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स देता हूँ जी सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास अफर उन्होंने सर तो नाम ही मत लो सर सामने नाम ही मत लो उन्होंने मुझे लंगोट पहनाया और वो कह रहे थे कि लंगोट पहनने में काफी तकलीफ हुई आपको ने। ने। सर नहीं सर रो दिया मैं रो दिया अब वो उनका कॉन्सेप्ट था तो जब वो क्या जब वो सीन सुनाया गया फिल्म सुनाई गई तो बोला क्या लंगोट पहना पहनना पड़ेगा तस पहन लेंगे लंगोट जब वो एक्चुअली हकीक़त में लंगोट आया मेरे पास ऐसे इसको कैसे पहनो मैं एन पाँच हजार का क्राउड जूनियर आर्टिस्ट यू you नो know, औरतें और वो जूनियर आर्टिस्ट जिन जिनके साथ मैं ने मैंने प्यार किया से काम किया है यू you नो know, तो वो सब और मैं पहन लिया मैंने और फिर वैनिटी में बैठा रहा हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलूं बाहर निकलूं बाहर निकलूं मैंने बोला चलो यार निकली आया तो मैंने सरोंग पहन लिया एक लुंगी टाइप का वहां से बाहर निकला और वो अखाड़े में आया मैं एंड सबको पता है था कि लंगोट है तो वहाँ से वो शुरू हो गया औरतों और जो और जितने भी जूनियर आर्टिस्ट है मर्द वगैरह निकाल दो भाई निकाल दो निकाल दो <laughs> अरे यार मैं तो से यार और सीटियाँ बज रही हैं और कैमरा फोन बाहर आ गए और <laughs> तब फिर मैंने अली को बोला कि ये मुझसे नहीं होगा और मैं वापस चला गया वैन के अंदर फिर एकदम करेज एकदम ताकतवर बन के वापस से निकला अब जब जैसे मैंने वो लंग, वो जो लुंगी खोली है और वहाँ से जो रिएक्शन आया है अब पहलवान लगोट नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा हाँ नहीं करेक्ट बात है इसलिए वो पहन पहना मैंने और वो कोई एक्सपोज करने के लिए नहीं था इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था वो बॉडी दिखाने के लिए नहीं था वो एक पहलवान जो है यू you नो know, वो कैरेक्टर दर्शाने के लिए था एंड आई थिंक दैट टर्न आउट पटी ओके सुल्तान की शूटिंग के दौरान जो एक स्कूटर था आपके पास में वो स्कूटर लेके आप गायब हुए गांव में चले गए हाँ सर शॉट में टाइम लग रहा था और हम लोग आई थिंक यूपी में शूटिंग कर रहे थे मोरना में कर रहे थे जो कि दिल्ली से करीबन ढाई तीन घंटे दूर है तो टाइम लग रहा था वो आई थिंक वो जो ट्रैक्टर उठाने का वो शॉट था वो था तो वो सेटिंग में तो ऐसे चलो एक राउंड पे निकल गया चलते चलते जगह इतनी खूबसूरत तो मैं चलते ही गया चलते ही गया चलते ही गया फिर मैंने देखा कि रास्ते में कि कुछ बच्चे यू you नो know, बैग्स लिए बक्से लिए भारी भारी बक्से छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो मैंने फिर वो स्कूटर घुमाए सबको बिठाया और जहाँ पर उनका स्कूल था वो जहाँ पर हमारी शूटिंग हो रही थी वहाँ से थोड़ा ही सी आगे था तो मैंने टाटा -टा करके उनको छोड़ दिया फिर अली को वो अच्छा लगा तो अली ने फिल्म में भी शायद वो वो डाला है कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूँ जो था तो कोई शरारत नहीं थी सब बोर हो रहा था चलिए मैं मान लेता हूँ ये शरारत नहीं थी लेकिन करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी अरे नहीं सर नहीं सर वो मत बोलो <laughs> अरे लोगों तो... को लगा कि शाहरुख खान तो गए हाँ वो एक वो एक किस्सा था लेकिन ये आपको किसने बताया <laughs> शाहरुख अब छोड़िए किसने बताया <laughs> लेकिन आपने बंदूक तो चलाई थी जी सर तो शूटिंग में ब्लैंक गन्स होते हैं हुँ? तो, तो मैंने हमारे एक्शन डायरेक्टर भिकू वर्मा उनसे ब्लैंक गन मंगवा ली और वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी तो राजस्थानी फोक डांसर्स सब वहाँ पर थे तो कुछ देर के बाद मैं बोला शाहरुख मैं तुझे डांस के लिए बुलाऊंगा तो आ तू मना करना फिर मैं वापस से बुलाऊंगा तो एक थोड़ा सा काफिल होगा हम दोनों के बीच में और ये ब्लैंगन है मैं तो दूर से मैं तो गोली मार देना हाँ और तू गिर जाना अब ये पूरा इनैक्ट हुआ चारों आ डांस करते यार ऑल दीज राजस्थानी दे परफॉर्मिंग फॉर अस राजी डांसिसमिंग डांस हम भी डांस करते हैं इसलिए नहीं मेरा मूड में थका हुआ ऐसा आ जाए यार कर ले थोड़ा सा तो ऐसे पाँच मिनट बाद ऐसे आने यार शाहरुख के यार ये सब तक तो बोला ना नहीं आने का मेरे को मैं थका हुआ हूँ ऐसे इतना यार इतना क्या तेरा यार इजाज़ा मैं हाथ उठाया उसने मेरा हाथ झटक दिया मेरे को धक्का मारा मैंने उसको धक्का मारा और एक तो मैंने मैं मैं हुई और मैंने बंदूक निकाल के उसको गोली मारी शाहरुख ने एक समझ और लेकर शाहरुख गिर गया अब जितने जितने लोग वहाँ पर थे आई थिंक हनी आंटी जावेद साहब की मिसिस हानी आंटी हरी हानी रानी वो थी वहाँ पर तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ ये ऐसा लड़का नहीं है पता नहीं क्या हो गया फिर एक निशी प्रेम करके जर्नलिस्ट हुआ करती थी वहाँ पर इस हैव ऑलवेज नोन दिस बॉय टू बी लाइक दिस फिर एक प्रवीण भाई शाह जो टाइम वीडियो के जो टाइम वीडियो के मालिक थे उन्होंने कहा बापू ये तो इस कारण में अपन भी फंस जाएंगे यहाँ से निकल लो अच्छा वो पाँच दस मिनट हो गया और मैं एकदम तो आँखें लिए एकदम तो गुस्से के अंदर कोई नहीं उठेगा सब हो यहाँ पर सबको मार दूंगा एकदम जोन के अंदर सब राकेश जी एकदम हाथ तो कांपने लगे राकेश जी के ऐसा कोई नहीं उठेगा बोला ना ऐसा शाहरुख उठ उठ अब शाहरुख हम सब इतने थके हुए थे कि हम शूटिंग सुबह छः बजे स्टार्ट किया करते थे और धूप के अंदर राजस्थान आई थिंक ये बात थी सामोद की तो हम लोग वहां पर तो वो शाहरुख जो वो लेटा शाहरुख सो गया शाहरुख उठाऊ क्या ड्रामा कर रहा है उठ क्या ड्रामा तो अब वो शाहरुख उठे नहीं अब सोहेल पैनिक भी पैनिक अब मैं बंदूक चेक करूं <laughs> तो सर ऐसा पठान जिंदा है <laughs> फिर तब फिर मैंने तीन चार और फायर कर दिया फिर सब हंसने लगे क्या यार क्या करते हो तुम लोग फिर सोहेल इन्वॉल्व था और भीखुदास के इन्वाल्व थे फिर मैं हनी आंटी को गया हक किया ऐसे निशी प्रेम का ऐसे सो यू ऑलवेज नोन एक वो बापू प्रवीण भाई शाह जो के बहुत ही उस वक्त एक पावरफुल <laughs> एक आदमी थे ऐसे क्या बापू वाकई में वो लोग डर गए थे जी हाँ, थोड़ी देर के लिए। नहीं हो क्योंकि देखिए सर आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द इंडस्ट्री इज शाहरुख एंड बोलने की जरूरत नहीं बोलने की जरूरत नहीं तो वो परफॉर्मेंस जैसे कि कर्न अर्जुन का जो परफॉर्मेंस था ऑन स्क्रीन उससे बेटर ये था मच बेटर ये था कि सब उसके अंदर कन्विंस हो गए भागने की यू नो कोशिश में थे तो गुड एक्सपीरियंस